हे गाइस, तो स्पाइडरमैन 4 जरूर बनेगी क्योंकि मार्वल और सोनी वालों ने टॉम हॉलैंड के साथ 3 मूवी बनाने का प्लान किया, यानी कि उनका फ्यूचर में टॉम हॉलैंड के साथ 3-3 मूवी बनाने का प्लान है। एंड उन्होंने ऑलरेडी स्पाइडरमैन 4 की स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू भी कर दिया है। तो देखो यारो, सस्ता बिगल के अनुसार स्पाइडरमैन 4 की स्क्रिप्ट पर काम करना स्टार्ट हो चुका है, यानी कि मार्वल वालों ने स्पाइडरमैन 4 की स्क्रिप्ट पर काम करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। तो अब बात करते हैं कि स्पाइडरमैन का होगा क्या, यानी कि फ्यूचर में उसका होगा क्या। तो देखो यार, अब हम जानते हैं कि उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं है, ना ही उसका टेक सूट है, ना ही स्टार्क कोई टेक्नोलॉजी है, ना ही हैप्पी उसे जानता है, ना ही पूरी दुनिया उसे जानती है। तो अपना खाने पीने का इंतजाम तो करेगा ना यार, कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो जाएगा कहाँ, यानी कि हमें डेली बीगल के पास, यानी कि अपनी फोटो खींचकर खुद बेचेगा। एंड वहाँ पर हमें शायद कुछ नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराए जाए, जैसे वो हमारा मैरी जेन हो सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी जो MJ है वो मैरी जेन नहीं है। एंड इसके बाद गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है हमारा MCU का एडी ब्रॉक, कि MCU का एडी ब्रॉक कौन होने वाला है, इस पर भी गाइस अभी मार्वल वालों ने पर्दा किया हुआ है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि फिल्म में हमें विलेन कौन कौन से देखने को मिलेंगे। एंड गाइस, ऐसी लीक्स आई है उछल कर कि हमें फिल्म में 3-3 विलेन देखने को मिलेंगे। एंड बात करते हैं पहले विलन की, तो पहले हम सब जानते हैं कि वेनम जो है वो अब MCU में इंट्रोड्यूस कर दिया है, यानी कि MCU में एंटर हो चुका है वेनम, वो दुनिया जहां के कांड करने वाला है। एंड अब बात करते हैं कि फिल्म में 2 विलन और कौन से होने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं स्कॉर्पियन की। तो गाइस, स्कॉर्पियन को हमने बहुत समय से नहीं देखा, ना ही उसके सूट को देखा, ना ही स्कॉर्पियन को। फर्स्ट हमने स्कॉर्पियन को देखा था होम कमिंग में, वो भी जेल में। तो ऐसा हो सकता है कि जब हमने मॉर्बियस देखा है, जो वल्चर जेल से भागता है, कैसा हो सकता है कि हमारे जो स्कॉर्पियन है वो भी उस समय जेल से भाग चुका हो, एंड अब वो स्पाइडरमैन 4 में रिटर्न कर सकता है। एंड गाइस, उसके बाद हम बात करते हैं अपने जो मेन विलन होने वाला है। इसी समय से बहुत लीक्स आ रही कि जो हमारा मेन विलन होने वाला है वो होने वाला है हमारा होप गोब्लिन, यानी कि हमारा नेट। एंड गाइस, आपने देखा कि नेट ने अपना वजन जो है वो बहुत कम कर लिया है, तो ऐसा हो सकता है कि नेट हमारा होप गोब्लिन इंट्रोड्यूस कराया जा सके स्पाइडरमैन 4 में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि नेट जो है वो उसके अंदर भी कहीं ना कहीं एक मैजिक है, क्योंकि हमने देखा था वो डॉक्टर स्ट्रेंज का जो स्पेल था वो उसका मैजिक कर पा रहा। तो ऐसा हो सकता है कि नेट ही हमारा होप गोब्लिन हो, क्योंकि हम सब जानते हैं स्पाइडरमैन के जो फ्रेंड होते हैं जो बाद में ही उसकी काटते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि स्पाइडरमैन 4 में हमें नेट ही होप गोब्लिन दिखाया जा सके।